इटालियन खाने की बात की जाए तो पास्ता नंबर वन पे आता है। उसमें भी मैक एंड चीज तो बच्चों को खास पसंद आती है। तो आइए बनाते हैं घर में रेस्टोरेंट स्टाइल मैक एंड चीज, वो भी एकदम कम से कम सामान में, जो खाने में काफी डिलीशियस और क्रीमी बनने वाली है। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हमें एक पैन में पानी गर्म करना है। पानी में जब थोड़े बुलबुले आने लगे तब उसमें हमें मिलाना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल। अब गर्म पानी में हमें मिलाना है 1 कप के करीब मैकरोनी। मैकरोनी को पानी में डालने के बाद उसे अच्छी तरह से स्टर कर ले, वरना वो पैन पे नीचे चिपक सकती है। मैकरोनी को पैकेट में दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कुक करें। अब हमें दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून के करीब बटर गरम करनी है। बटर को पैन में अच्छी तरह से मिला ले। बटर डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। हमारा बटर यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब चॉप्ड गार्लिक। मैकरोनी में गार्लिक डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप जितनी छोटी चाहे उसे चॉप कर सकते हैं। गार्लिक को 10 सेकंड के लिए बटर के साथ सॉटे करें। गार्लिक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें गार्लिक को जलाना नहीं है और इसका कच्चा टेस्ट भी नहीं आना चाहिए, ऐसा हमें कुक करना है। अब हमें अपने बटर में मिलाना है 2 टेबलस्पून मैदा। मैदे को बटर के साथ अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए कम से कम सॉटे करें। मैदे को सॉटे करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारी गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, वरना हमारा मैदा जल सकता है और ये टेस्ट में फिर कड़वा लगेगा। व्हाइट सॉस बनाते समय हमें इस बात का काफी एहतियात रखना पड़ता है कि हमारी गैस की फ्लेम लो हो। थोड़ी सी भी गड़बड़ हमारे व्हाइट सॉस को खराब कर सकती है। अब हमें मिलानी है इसमें मिल्क। मिल्क मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब इस्तेमाल किया है। अब लगातार चलाते हुए हमें अपने मैदे और मिल्क को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे लगातार मिक्स करते रहें, वरना इसमें मैदे की गांठें पड़ सकती हैं। हो सके तो एक विस्क की हेल्प से आप इसे कंटिन्यूअस स्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक विस्क की हेल्प ली है और मैं इसे लगातार विस्क की हेल्प से चला रही हूँ। अब हमें इस मिक्स में मिलाना है 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च। आप कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो इस जगह पे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब मिलाना है हमें स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारे चीज में भी नमक होती है, तो उस हिसाब से आप नमक यहाँ पर कम ही डालें। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सॉस अब थिक हो गई है, यानी कि हमारी सॉस अब पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें मिलाने वाले हैं हम 1 कप के करीब चेडर चीज। चीज डालने के बाद आपको कंटिन्यूअस इसे चलाते रहना है। कम से कम 2 मिनट तक आपको लो फ्लेम पर चीज को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमें मिलानी है इसमें 1/4 कप के करीब पार्मेसन चीज। आप इस जगह पर अमूल चीज की भी स्लाइसेस कट करके इसमें मिला सकते हैं। बस 3 से 4 अमूल चीज की स्लाइसेस ले ले और उन्हें कट करके इसमें आप मिला सकते हैं। अब नेक्स्ट बारी है हमारी मैकरोनी मिलाने की। मैंने यहाँ पर अपनी सारी बॉइल्ड की हुई मैकरोनी मिला दी है। अब लो फ्लेम पर ही मैकरोनी को सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। आपको ये प्रोसेस में कम से कम 2 मिनट लगेंगे। आप मैकरोनी को तब तक अच्छी से मिक्स करें जब तक वो सॉस को पूरी तरह से कोट ना कर ले।
आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डिलीशियस क्रीमी मैक एंड चीज तैयार है, जो टेक्सचर में एकदम क्रीमी है और काफी डिलीशियस भी लग रही है। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी मैक एंड चीज रेडी हो गई है, जो खाने में काफी डिलीशियस और क्रीमी लग रही है। तो इस मैक एंड चीज को जरूर ट्राई करें और अपने बच्चों को जरूर सर्व करें, ये उनको बहुत ही पसंद आने वाली है। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।